हेलो एवरीबॉडी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड आई एम द पिकअप फ्राम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड एसएसटी एस टी फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज हीट ट्रांसफर तो हीट चैप्टर हम ऑलरेडी क्लास सेवन में पढ़ चुके हैं काफी कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले तो हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है तो हमने पढ़ा है मैटर के बारे में तो हमने पढ़ा है कि जो मैटर होता है उसमें ना छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते इनको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक इंस्ट्रूमेंट की जिसे हम बुलाते हैं माइक्रोस्कोप अब अगर आप एक मैटर को देखो ना तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना दे आर सेट टू दे आर ऑल दे आर सेट टू बी इन मोशन ऑलवेज तो अगर हम बात करें एक सॉलिड की ठीक है एक लिक्विड की और एक गैस की तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो मोशन में जो एक मतलब मोशन में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के होते हैं उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और जब वो रेस्ट पे होता है तो उसके पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और लीस्ट इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी राइट right? वहीं पर लिक्विड तो चलो बीच का केस है दोनों सॉलिड और गैसेस के तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी लीस्ट सबसे कम ठीक है तो अब इस केस को देखा जाए तो जब एक मॉलिक्यूल मोशन में आता है तो हमने क्या पढ़ा है कि जब मान लो ये एक कोई सब्सटेंस है जब हमने इसको हीट देना शुरू किया तो हीट देने से क्या हुआ यहाँ पर टेम्परेचर इनक्रीज हुआ टेम्परेचर के इनक्रीज होने से क्या हुआ यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है ना अब वो मोशन में आ गए जब ये मॉलिक्यूल्स मोशन में आए तो क्या हुआ तो ये वाइब्रेट करना शुरू हुए राइट इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हुई तो ऐसा ही हुआ राइट तो दिस इज़ हाउ द हीट ट्रांसफर ऑल्सो अफेक्ट्स द मोलिक्यूल्स उनके मोशन के ऊपर राइट right? तो अब जो हीट का जो ट्रांसफर है ना यहाँ पर हमने हम ये भी पढ़ा है कि जो हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है अगर हम एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को एक साथ रख दें तो हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ही होता है राइट right? तो इन्हीं सब चीज़ों को रिकॉल करते हुए अब हम बढ़ेंगे अपने आज के चैप्टर में जिसमें सबसे पहला है द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट कि हीट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं तो हीट क्या क्या कर सकती है तो हीट किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकती है उसकी स्टेट को चेंज करती है टेम्परेचर को या तो बढ़ाएगी या तो घटाएगी और स्टेट को मतलब सॉलिड लिक्विड या गैसियस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नाउ द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एक बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो कैसे चेंज होता है तो या तो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या तो फिर वो घटेगा राइट तो दो ही चीजें हो सकती हैं तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो डिपेंड करता है दो चीजों पे सबसे पहली चीज कि कितनी हीट दी गई है या फिर एक रिजेक्ट की गई है तो अगर मेरे पास ये एक बॉडी है दो बॉडीज हैं इस बॉडी ने कितनी हीट ली या फिर इस बॉडी ने कितनी हीट को रिजेक्ट किया दैट विल बी द फर्स्ट केस ठीक है अब मान लो कि इस बॉडी ने कुछ हीट को एब्सॉर्ब किया या फिर इसको हमने कुछ हीट दी राइट right? तो क्या होगा जब हम हीट देंगे ठीक है तो हीट गिवन तो व्हेन हीट इज गिवन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस किसकी काइनेटिक एनर्जी अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होगी और जब वो इंक्रीज होगी तो यहां पर टेम्परेचर विल इंक्रीज क्लियर दूसरा ये एक बॉडी है जिसने हीट दी है हीट गिवन आउट ठीक है तो उसके बाद बड़ी ये सारी हीट थी बड़ी गर्मी लग रही थी सारी हीट बाहर बांट दी तो क्या हुआ तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो गई जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया राइट right? तो कितनी हीट दी है या कितनी हीट ली गई है उस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दूसरा इज मटीरियल ऑफ द बॉडी तो हर एक बॉडी होती है ना उसका अपना एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं कोई बॉडी है क्या होती है सबसे पहले मैं वो लिख देती हूं सो दे हैव देर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज राइट अब हीट जो है जो एक मान लो ये दो बॉडीज हैं ए और बी है हो सकता है हमने दोनों को ना सेम अमाउंट ऑफ हीट दी तो हीट भी एक एनर्जी है और एनर्जी किसमें होती है जूल में तो मान लो दोनों को हमने वन जूल ऑफ हीट दी राइट अब दोनों क्योंकि अलग अलग बॉडीज हैं अलग अलग मटेरियल्स की बनी है तो हो सकता है कि इसका टेम्परेचर राइज करने में ये वन जूल ऑफ हीट काफी हो लेकिन हो सकता है कि इसका टेम्परेचर को राइज करने में वो सफिशियंट ना हो एक पत्थर ले लो बड़ा सा ठीक है और दूसरी तरफ पानी ले लो ठीक है पत्थर को आप उतनी ही हीट दो और पानी को भी उतनी ही हीट दो तो आप क्या देखोगे सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट हम दोनों को देंगे तो हम देखेंगे कि पत्थर तो इतनी जल्दी गर्म हुआ नहीं लेकिन पानी बहुत जल्दी गर्म हो गया राइट right? क्योंकि दोनों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं वो अलग हैं सो दीज टू थिंग्स दे आई मीन द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स सो आई होप दिस इज क्लियर तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ हीट पे एंड दैट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर हम कर चुके हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी तो बॉडी की स्टेट जो है वो कैसे चेंज होती है ये जो पूरा डायग्राम है ना ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बहुत बार पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस में अपने प्रीवियस चैप्टर्स में आज हम इसको एक क्विक रिविजन देने वाले हैं शुरू करें चलो नाउ द चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी अब चेंज इन स्टेट हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो तीन मेन स्टेट्स हैं दे आर द सॉलिड लिक्विड एंड द गैसेस। ठीक है solid, gases, तो ये जो कन्वर्जन होता है एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मान लो सॉलिड से लिक्विड को चेंज होना या फिर लिक्विड से गैस को चेंज होना दिस इज कॉल्ड एज द चेंज इन स्टेट विच टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये एक ही टेम्परेचर पर होता है राइट तो सबसे पहले देखो एक सॉलिड है वेन दिस सॉलिड गेट्स चेंज्ड इन टू अ लिक्विड तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं मेल्टिंग बुलाते हैं और जब ये लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं फ्रीजिंग बुलाते हैं तो जब सॉलिड लिक्विड बना तो मान लो कि आइस है जब वो वॉटर बना ठीक है तो आइस को वॉटर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें हीट देनी पड़ती है आइस को तो आइस क्या कर रही है आइस हीट को एब्सॉर्ब कर रही है करेक्ट तो आइस ने हीट को एब्सॉर्ब किया और वो क्या बन गया वाटर बन गया किस टेम्परेचर पर हुआ ये हुआ जीरो डिग्री सेल्सियस पर अब क्या हुआ अब लिक्विड यहां पर आइस और वाटर का टेम्परेचर जीरो डिग्री ही रहा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ठीक है याद रखना पिछला जो था ना वहां हम चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे यहां पर हम चेंज इन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं एंड दिस चेंज इन स्टेट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अब लिक्विड जो है वो वापस सॉलिड में चेंज हुआ मतलब पानी जो है वो वापस से आइस बन गया कब हुआ कैसे हुआ लिक्विड ने कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट की और वो वापस से आइस बन गया ठीक है सो हीट इज रिजेक्टेड एट वॉट टेम्परेचर दिस ऑल हैपेंड इट ऑल हैपेंड अगेन एट जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है तो so, जो पानी था और जो आइस बनी है दोनों का ही टेम्परेचर क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स दिस चेंज ऑफ स्टेट हैपेंड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर आइस एंड वॉटर दिस इज जीरो डिग्री राइट पहली चीज समझ आई दूसरी चीज लिक्विड से बना गैस तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे वेपराइजेशन बुलाते हैं और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम इसे कंडेंसेशन बुलाते हैं तो देखो लिक्विड बना गैस ठीक है तो लिक्विड को अगर गैस बनाना है पानी को अगर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पानी को क्या करना पड़ेगा पानी को हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी राइट सो so, हीट इज एब्सॉर्ब बाय water right अब जब वाटर वेपर्स को वापस से वाटर वेपर्स को वापस से लिक्विड बनाना है पानी बनाना है वाटर बनाना है तो अब इस इन वेपर्स को क्या करना पड़ेगा हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा सो अगेन होल दिस प्रोसेस इट हैपेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री तो जब पानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो 100 डिग्री पे हो रहा है जब गैस पानी में कन्वर्ट हो रही है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कन्वर्ट हो रही है तो दो उनों का ही दोनों ही स्टेट्स का जो टेम्परेचर है दैट इज द सेम राइट क्लियर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट याद रखना ठीक है नेक्स्ट इज नाउ देर आर केसेस वे सॉलिड गेट डायरेक्टली चेंज इन टू गैसेज लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं सबलीमेशन प्रोसेस तो इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है कैम्फर ठीक है तो ये जो कैम्फर होता है ना ये जैसे ही हम उसको जलाते हैं ना वो सॉलिड से एकदम वेपर में कन्वर्ट हो जाता है राइट और गैस जब सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम बुलाते हैं सॉलिडिफिकेशन राइट अब कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें वेपराइजेशन को हम एक बॉइलिंग भी बुलाते हैं अब कुछ ऐसे प्रोसेस जैसे इवेपोरेशन है इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जो किसी भी टेम्परेचर किसी भी सरफेस पर हो सकता है लेकिन hmm. बॉयलिंग एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ही होती है ठीक है अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है देखो जब हम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे थे ना तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको आ, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है राइट right? और वो गर्म हो जा रहे हैं उनका टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है या फिर जब वो आ, हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और ऐसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो कूल डाउन हो रही है राइट right? लेकिन यहाँ पर ना काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही अनचेंज्ड रह रही है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक स्टेट पर है और उसको दूसरे स्टेट पर जाना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मॉलिक्यूल्स की ठीक है सो दिस इज हाउ द चेंज इन स्टेट के टाइम ना जो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर जो हीट रिजेक्ट होती है उसे हम बुलाते हैं लेटेंट हीट या फिर हम इसे हिडन हीट भी बुलाते हैं ठीक है क्यों बुलाते हैं क्योंकि इस हीट का ना टेम्परेचर को चेंज करने में को में कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब सॉलिड लिक्विड बन रहा है या फिर लिक्विड गैस बन रहा है लेकिन इस सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने पर या फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने पर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है राइट सो दिस इज़ कॉल्ड एज द लेटेंट हीट और द हिडन हीट तो जब ये हीट ये एक इनविजिबल सी हीट जब ये दी जा रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है एक बॉडी से उस टाइम पर क्योंकि देर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अन चेंज राइट सो आई होप दिस इज क्लियर तो आपको ये बात यहां पर अच्छे से समझ लेनी है कि जब हम चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं ना तो इस चेंज ऑफ स्टेट में सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है सिर्फ उस पर काम हो रहा है ना कि हमारे काइनेटिक एनर्जी पे ठीक है या फिर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर नाउ द लास्ट इफेक्ट ऑफ हीट इज द चेंज इन द साइज ऑफ द बॉडी तो जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ठीक है एक बॉडी है जब भी हम इसको हीट करेंगे तो इसको हीट करने से इस ये एक्सपैंड करेगी और जब इस बॉडी को हम कूल cool करेंगे मतलब इससे हीट रिजेक्ट होगी तो उस केस में ये बॉडी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी राइट सो ऑन हीटिंग अ बॉडी एक्सपैंड एंड ऑन कूलिंग अ बॉडी कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस चेंज इन साइज इज कॉल्ड एज द थर्मल एक्सपेंशन अब ये क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक बॉडी को हीट करते हैं तो उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो ऑन हीटिंग ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक हो जाती हैं इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के वीक होने की वजह से ये एक्सपैंड होते हैं और जब हम इनसे हीट लेते हैं या फिर जब हम इनको ठंडा करते हैं उस टाइम पर ये जो फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये कम हो जाते हैं ठीक है तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट या फिर ये बॉडी जो है ये क्या हो जाती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पर सारा का सारा खेल है फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन के बीच में फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर तो जब हीट करेंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी तो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होगा जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं जब वो जब कूल cool करेंगे किसी बॉडी को तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होंगी और ये ऑब्जेक्ट कंट्रैक्ट करेगा ठीक है सो आई होप दिस मैच इज क्लियर नाउ कमिंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सो दे वेन दे आर लेस रैपिड मतलब कि जब उनकी स्पीड कम होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है जब स्पीड बढ़ जाती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है यही पढ़ा है तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो हमने इनिशियल अपने मैटर के चैप्टर्स पढ़े हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी तो उनसे ही कुछ रिलेट हो रहा है तो बस वैसा वैसा ही है अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो ये भी समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी तो जब भी मोशन कम स्लो होता है मैटर मैटर के मॉलिक्यूल्स का तो टेम्परेचर कम हो जाता है और जब ये मोशन बढ़ जाता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ठीक है फिर एक टाइम आता है कि जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है तो इट इज़ सेड दैट कि जब टेम्परेचर ज़ीरो है तो उस टाइम पर मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज़ विच मींस द मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स तो उस टाइम पर जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाता है एकदम बंद हो जाता है रुक जाता है स्टॉप हो जाता है तो जो टेम्परेचर है जिस पे मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीजेस इज सेट टू बी द इसलियूट जीरो ऑन द केल्विन स्केल तो केल्विन स्केल पर हम इस टेम्परेचर को एप्सल्यूट जीरो टेम्परेचर बुलाते हैं और कोई भी ऐसा टेम्परेचर अब एप्सोल्यूट जीरो से नीचे पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो मतलब जब टेम्परेचर कम हुआ तो मॉलिक्यूलर स्पीड भी कम हुई जब टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूलर स्पीड भी बढ़ी राइट सो आई होप दिस इज़ क्लियर दिस इज जस्ट कि टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के मोशन को कैसे अफेक्ट करता है तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो भी ज़्यादा है टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूलर मोशन भी कम है अगर टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है तो मॉलिक्यूलर मोशन भी स्टॉप हो जाता है या सीज हो जाता है और जो टेम्परेचर है जिसपे मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीज होता है दैट इज़ द एब्सल्यूट ज़ीरो ऑन द कैलविन स्केल राइट ओके सो नेक्स्ट वील बी टेकिंग अप द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट तो जब एक लिक्विड गैसियर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये कब कन्वर्ट होता है मान लो पानी जो है जब वो वेपर बनता है तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे तो ये दो तरह से हो सकता है एक तो इवेपोरेशन से एक बॉयलिंग से तो हमें पता है कि इवेपोरेशन जो है ना वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है लेकिन बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होती है दैट इज डिग्री सेल्सियस ठीक है तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सो सो वी विल स्टार्ट विद इवेपोरेशन द फर्स्ट चेंज इन लिक्विड टू वेपर स्टेट में है सबसे पहले इवेपोरेशन तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड्स जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और किसी भी टेम्परेचर पर मतलब एट ऑल टेम्परेचर्स फ्रॉम इट्स सरफेस तो ये जो इवेपोरेशन है ना पानी का आप जैसे कपड़े सूखने डालते हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि पहले कपड़ों में पानी होता है लेकिन थोड़ी मतलब जब थोड़ी देर आप धूप में रखते हो तो आप देखते हो धीरे धीरे वो पानी का जो मॉइस्चर है वो कम होने लगता है और फाइनली कपड़े ड्राई हो जाते हैं सो दिस दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन वेयर वाटर गेट्स कन्वर्टेड इन टू वेपर्स एट ऑल द टेम्परेचर्स ठीक है तो जैसे एक ईथर लो या फिर एक स्पिरिट लो या फिर अल्कोहल लो या फिर जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो लो और उसको थोड़ा सा ना हाथ पे रखो थोड़ी देर उसको रखे रखो और आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो जो पानी आपने पान लिक्विड फॉर्म जो आपने लिया था ना हाथ में वो इवेपोरेट हो चुका है मतलब अब वो आपके हाथ में है ही नहीं वो गायब हो चुका है तो बेसिकली दिस लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इन टू वेपर्स एट ऑल द टेम्परेचर्स ठीक है सर ये एक सरफेस फिनोमिना है कौन सा फिनोमिना है दिस इज अ सरफेस फिनोमिना ठीक है ये जो सरफेस फिनोमिना है इसमें जब हमने उस ईथर को या फिर स्पिरिट को अपने हाथ पे रखा तो उसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया बॉडी से हीट एब्जॉर्ब की और वो वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हमारे हाथ से गायब हो गया सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन सो नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन तो देखो हमारे पास तीन तीन स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस ठीक है अब ये जो सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस हैं ना ये तीनों जो स्टेट्स हैं ना इन सब के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स में डिफरेंस है सॉलिड्स में यही मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास हैं लिक्विड्स में थोड़ा दूर है और गैसेस में बहुत दूर है तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये काफ़ी पास हैं इसलिए जो फोर्सेज हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो बहुत बहुत स्ट्रांग हैं ठीक है तो वो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखती हैं तो इसीलिए एक पत्थर को तोड़ना या एक सॉलिड चीज को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है वहीं पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को ना ड्रॉप्स में ब्रेक करना काफ़ी इजी है राइट वहीं पर अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स और भी दूर हैं तो अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो दोनों का जब हम कंपेरिजन करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास हैं सॉलिड में और लिक्विड में काफी दूर हैं हैं इसलिए जो है, उनके जो सॉलिड्स उनके मोशन है वो काफी कम है लेकिन लिक्विड्स के केस में यही मॉलिक्युलर मोशन काफी ज्यादा है तो जो लिक्विड होता है ना लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में दे आर फिक्स्ड एट अ प्लेस राइट वो अपनी ही जगह पर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं लिक्विड के केस में क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये रैंडमली मूव करते रहते हैं अच्छा अब इनकी ना तो कोई फिक्सड स्पीड है मूवमेंट की ना ही इनका फिक्सड uh, मतलब एक एक पैटर्न है मूवमेंट का तो अगर एक मॉलिक्यूल है ये मूव करे इससे टकरा गया तो उधर को चला गया उधर उससे टकरा गया इधर को आ गया सो so, जैसे जैसे ये टकराते रहते हैं इनका जो मोशन है ना ये चेंज होता रहता है इट इज़ नॉट फिक्स द स्पीड इज नॉट फिक्सड द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्सड एंड ऑल्सो द स्पीड इज नॉट फिक्स्ड तो लिक्विड के केस में जैसे अगर एक ग्लास पानी का ग्लास भरो तो उसमें जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना आपको ऐसा लगेगा कि लिक्विड इज एट रेस्ट बट जो मॉलिक्यूल्स है ना दे आर कॉन्टिन्यूअसली इन मोशन ठीक है तो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से टकराते रहते हैं कई बार वो एनर्जी लूज कर देते हैं कई बार वो काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी उनकी हो जाती है तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है वो सरफेस पे आ जाते हैं जब वो लिक्विड वो लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होता है तो दो ऑप्शन हैं या तो वो सर वो वो जो मॉलिक्यूल है या तो वो, वो, वो हवा में चला जाएगा ठीक है वैपोरेट हो जाएगा या फिर वो वापस से नीचे की तरफ खींच लिया जाएगा अब एक केस है जिसमें वो वापस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तरफ खींच लिया जाएगा तो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है ऑल दो स्पेसेस ज्यादा हैं लेकिन फिर भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहां पर बेटर है एज कंपेयर टू गैसेज ठीक है तो जैसे ही ये सरफेस पे लिक्विड आया इसको दूसरे मॉलिक्यूल ने कोहेसिव फोर्सेस की वजह से अपनी तरफ खींच लिया तो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड के अंदर चला गया अपने बस वो घूमता रहा ठीक है वहीं पर सॉलिड्स के केस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तो इनके बीच में ना जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है राइट right? तो क्योंकि निग्लिजिबल है ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही नहीं है ये कहीं भी कैसे भी कभी भी घूमते रहते हैं तो जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो इवेपोरेशन केस में होता क्या है कि जब एक सरफेस पे एक लिक्विड आता है तो जो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड नहीं आता है मॉलिक्यूल आता है तो जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी वो सरफेस पे पहुंचते ही इस वजह से हैं क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है नाउ बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ देम दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड दिस इज हाउ दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इन द वॉटर वेपर अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ठीक है ये जो एस्केपिंग है या ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये कुछ कंडीशंस के अंदर अंडर होता है जैसे इसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें हवा चल रही है ह्यूमिडिटी है इन सब चीज़ों का ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है तो इन्हीं सारी चीज़ों को इवेपोरेशन के साथ जोड़ के हम समझेंगे सो फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन तो टेम्परेचर ज्यादा है या कम है उसका क्या फर्क पड़ता है इवेपोरेशन के रेट के ऊपर कि इवेपोरेशन ज्यादा होगी या कम होगी सो फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन सो दिस हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द इवेपोरेशन तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ठीक है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस ठीक है तो टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन भी बढ़ा क्यों बढ़ा बताओ रीजन बताओ मुझे तो रीजन ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज नाउ द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज हुई है तो इवेपोरेशन भी तो बढ़ेगा राइट right? क्योंकि स्पीड के बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा सरफेस पे आएंगे सरफेस पे आएंगे और वो इवेपोरेट होते रहेंगे क्लियर नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लोइंग एयर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन अब देखो अगर हवा चल रही है तो हवा के चलने के साथ साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो वो चलती हवा बहुत सारे मॉलिक्यूल सरफेस से अपने साथ लेती जाएगी सो दिस विल अगेन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन सो मोर द ब्लोइंग एयर ठीक है मोर द ब्लोइंग एयर मोर इज द्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ठीक है तो हवा ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा क्लियर सिंपल दे नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया अब मेरे पास ना ये एक टम्बलर है मैंने इसमें पानी डाला है इसी पानी को मैं एक इतने बड़े ब्रॉड वाले बर्तन में डाल दू तो क्या होगा यहां पर सिर्फ इतना सरफेस था जिस पे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स आ रहे थे लेकिन इस केस में ये ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी लेंगे मतलब स्पीड बढ़ाएंगे अपनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो सरफेस पे आएंगे और जितने ज्यादा सरफेस पे आएंगे उतने ज्यादा एस्केप होंगे सो विद द इनक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ठीक है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन तो ह्यूमिडिटी का क्या है तो ह्यूमिडिटी के साथ ना इसका उल्टा रिलेशन है तो अगर ह्यूमिडिटी ठीक है तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा सो so, इवेपोरेशन विल डिक्रीज तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी अब मान लो मेरे मतलब मेरे मैंने ना मैंने चार पाँच ग्लास पानी पी लिया है अब आप मुझे आके बोलो कि मैम एक ग्लास और पानी पियो तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं मेरा पेट तो भरा है तो वैसा ही यहां पर है क्योंकि हमारे आसपास हवा में इतना ज्यादा पानी है कि और पानी लेने की कैपेसिटी ना उस हवा की नहीं है तो बेसिकली पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब उनको उस हवा में स्पेस नहीं मिल रहा है क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है इसलिए इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा ठीक है बात समझ आई ओके द नेक्स्ट वन इज द कूलिंग प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन अब होता क्या है जैसे मैंने बोला था ना कि ईथर को अगर आप अपने हाथ पे रखो तो वो आप देखोगे थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा राइट right? तो होता क्या है कि इसका तो जो आपने ईथर लिया है वो क्या करेगा वो सराउंडिंग से मतलब आप मेरे हाथ पे था तो मेरे हाथ से वो एनर्जी लेगा हीट लेगा और वो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे करेक्ट तो इसीलिए क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को सो दीज मॉलिक्यूल्स नीड हीट ठीक है अब जैसे ही ये हीट एब्सॉर्ब करेंगे वैसे ही ये सारा का सारा जो सराउंडिंग्स है ना वहां से हीट लेंगे तो सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी सराउंडिंग्स कूल cool हो जाएंगी तो हीट कहां से आ रही है हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स ठीक है तो हीट कहां से आई सराउंडिंग से आई तो सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी सराउंडिंग्स कूल cool हो जाएंगी इज दैट क्लियर सिंपल है ओके okay. सो so, इस पूरे प्रोसेस को ऐसे समझना ठीक है तो मॉलिक्यूल्स को हीट चाहिए अब हीट कहाँ से आएगी सराउंडिंग से आएगी तो सराउंडिंग से अगर मैंने हीट ले ली तो सराउंडिंग्स तो कूल हो जाएंगी राइट सो कूल कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज दैट क्लियर नाउ वी विल मूव ऑन टू आर नेक्स्ट फिनोमिना वेयर देअ इज चेंज ऑफ लिक्विड इन टू द वेपर स्टेट सो दैट इज द इवेपोरेशन Now boiling. तो बॉइलिंग भी वही प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है या फिर लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है बस फर्क इतना है कि ये प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है तो जब पानी वेपर में कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में ये प्रोसेस 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है उसके आसपास नहीं होगा तो इसको प्रूव करने के लिए ना हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है तो हमने क्या किया एक बीकर ले लिया और उसमें पानी डाल दिया और एक क्लैम्प एक स्टैंड याव स्टैंड से हमने एक थर्मामीटर लिया ठीक है उसके साथ थर्मामीटर लगा दिया राइट अब इस बीकर को हमने एक वायर गॉज पे रख दिया और नीचे इसको हीट करने के लिए हमने एक बर्नर लगा दिया अब थर्मामीटर जो है जो ये जो हमने क्लैम्प किया है वो इसमें डिप होना चाहिए पानी में अब आप देखोगे कि धीरे-धीरे धीरे जो है जब आप उसको हीट करते जाओगे तो टेंपरेचर बढ़ता जाएगा ठीक है जब टेम्परेचर थर्मोमीटर में 100 डिग्री हो जाएगा उसके बाद आपको इस टेम्परेचर का मर्करी फर्दर इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई देगा लेकिन आपको इस पानी के अंदर ना बबल्स छोटे 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 बबल्स दिखाई देंगे तो इस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो अगर आप इस अब इसको ऐसे ही हीट नो डाउट फर्दर आ रही है लेकिन टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा अब क्या होगा अब लिक्विड जो है वो गैसियर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ी देर अगर आप इसको ऐसे ही हीट देते रहोगे तो आप देखोगे कि पानी का जो लेवल है ना अब वो ड्रॉप हो गया है क्यों क्योंकि बहुत सारा वाटर जो है वो अब वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया है सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट

लिक्विड्स होते हैं ना जब हम जब वो बॉयल होना शुरू होते हैं तो जितने भी हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब सरफेस पे आ जाते हैं और वो इतनी एनर्जी उनमें आ जाती है कि जो कोहिजन फोर्सेस होती हैं कोहिजन फोर्सेस कौन सी होती हैं कौन सी फोर्सेस आई एम टॉकिंग अबाउट कोहिजन फोर्सेस ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो को मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है मतलब अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूं तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो होती है कोहिजन फोर्स तो ये कोहिजन फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं ये फोर्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है ये रहती हैं बट इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि ये इन फोर्सेस को ओवरकम करके एस्केप हो जाते हैं तो पानी जो है वो वेपर बन जाता है है. तो इस तरह अब जब भी बॉइलिंग होती है तो ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ सरफेस पे, no, तो so पे नहीं हो रही है वो विद इन द लिक्विड भी हो रही है तो होता क्या है कि ये बबल्स बीच में बनते हैं तो ये बबल्स जो है ना आर अगेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ये सरफेस पे आते हैं और फटाफट एस्केप होते रहते हैं तो बॉइलिंग को जो इफेक्ट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, एक कंडीशन है दैट इज प्रेशर ठीक है तो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बॉइलिंग ऑफ लिक्विड तो अगर इफ प्रेशर इंक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है तो प्रेशर बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा ठीक है तो अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो ये प्रेशर है ना तो जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पर जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है इसीलिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है ठीक है जब एटमोसफेयरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है तो आपने देखा होगा कि जब माउंटेन्स में अगर आप पानी को बॉयल करो ठीक है तो पानी जो है ना वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है बॉयल होने में होता क्या है कि यहां पर क्योंकि प्रेशर कम होता है ठीक है प्रेशर कम होता है तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है तो वाटर डज नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस बट इट बॉयल्स एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है अब अगर हमें वेजिटेबल्स कुक करनी है माउंटेन्स में तो अगर हम उनको ओपन कुक करेंगे ना तो वो अच्छे से कुक नहीं होती हैं वही अगर हम उनको प्रेशर कुकर में डाल देंगे तो प्रेशर कुकर में अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो अंदर ही रहेंगे ठीक है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर ज्यादा हो जाएगा ठीक है कम हो जाएगा अंदर ज्यादा है तो इस वजह से वेजिटेबल्स जो है वो ज्यादा इजिली कुक हो जाती हैं और यहां पर जब हम प्रेशर कुकर में कुक करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इट इनक्रीजेस फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस सो दिस इज हाउ दिस प्रेशर इन कुकिंग द वेजिटेबल्स इजिली ठीक है तो बात समझ आ गई सो दिस इज हाउ प्रेशर इफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट नाउ कमिंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग सो इवेपोरेशन इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है लेकिन बॉइलिंग एक फिक्सड टेम्परेचर पर ही होती है ठीक है तो अब हमने देख लिया पहले हम बोलते थे 100 पर ही होती है लेकिन अब हमें समझ आ गया कि प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बॉइलिंग द लिक्विड्स राइट नेक्स्ट इज इवेपोरेशन अकर्स ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड वहीं पर बॉइलिंग बबल्स तो पानी के बीच में भी बन रहे हैं राइट सो इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड एट द सेम इंस्टेंस तो मतलब बॉइलिंग ऊपर भी हो रही है और बॉइलिंग नीचे भी हो रही है सो थ्रू आउट द लिक्विड हमें बॉइलिंग देखने को मिलती है नेक्स्ट एस्केप एनर्जी रिक्वायर्ड इज एक्वायर्ड बाय द कोलिशन ऑफ द मोलिक्यूल तो जैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कोलाइड करेगा बस उसी से एनर्जी मिल जाएगी और जो मॉलिक्यूल है वो एस्केप हो जाएगा इवेपोरेशन में लेकिन बॉइलिंग केस में सफिशियंट एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये मॉलिक्यूल एस्केप करें सो टू ओवरकम दीज एट्रैक्टिव फोर्सेज सफिशियंट एस्केप एनर्जी इज रिक्वायर्ड तो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है नेक्स्ट इज हीट इज एब्सॉर्ब बाय मॉलिक्यूल एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट

सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आई टूडे सेशन वी आर स्टिलिफ्ट विथ थर्मल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन तो बेसिक आज हमने जो पहले पढ़ा था और उसमें और कुछ चीज़ें डाल के आज हमने रिकॉल कर लिया है नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल फिनिश दिस चैप्टर विद सम न्यू टॉपिक्स दैट वी विल गेट इंट्रोड्यूसड इन दिस क्लास ओनली सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विदिओ टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है